और अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में मौज मस्ती के लिए बाहर निकल रहे हैं तो हम आपको कम खर्च पर ज्यादा का फायदा बताने जा रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको छुट्टियां अभी से प्लान करनी होंगी। अभी प्लान करेंगे तो आपके कुल खर्च का करीब 40% आप बचा लेंगे। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। अगर इस समर वेकेशन में आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाने की सोच रहे हैं तो अभी से टूर पैकेज बुक कर लीजिए। टूर ऑपरेटर्स आपको बेहतरीन मौका दे रहे हैं, ऑफर ऐसे जो सीधे सीधे आपका 20% पैसा बचाएंगे। टूर ऑपरेटर्स कपल्स के लिए जो पैकेज दे रहे हैं उसके मुताबिक दिल्ली आगरा 7000 से 5500, दिल्ली मनाली 10000 से 8000, दिल्ली गोवा 30000 से 27000, जो कि इंक्लूड करता है 3 नाइट एंड 4 डे का टूर पैकेज। विद इन इंडिया सबसे ज्यादा हॉट डेस्टिनेशन इस टाइम गोवा है, केरला है, नॉर्थ में कुल्लू मनाली है और नॉर्थ ईस्ट है जिसमें अरुणाचल है, मेघालय है, दार्जिलिंग है और शिमला, मसूरी और श्रीनगर भी काफ़ी बुकिंग्स थी, पर इस बार फ्लड्स की वजह से थोड़ी बुकिंग्स कैंसिल हुई हैं। पर हमें उम्मीद है कि अगर सिचुएशन ठीक हो गई तो कश्मीर सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। लेकिन अगर आप गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं तो उतने ही खर्चे में विदेशों की सैर कर सकते हैं। वैसे भी इंडियंस फॉरेन की सैर को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। टूर ऑपरेटर्स के मुताबिक कपल्स के लिए विदेशों में मौज मस्ती 4 रातें और 5 दिन, दिल्ली थाईलैंड 19000 से लेकर 16500, दिल्ली कोलंबो 20000 से 17000, दिल्ली दुबई 22000 से 19000। जो नए डेस्टिनेशंस अब्रॉड पॉपुलर हो रहे हैं वो है हांगकांग, मकाओ, मनीला, फिलीपींस, श्रीलंका एंड मालदीव्स और टर्की, ये नए डेस्टिनेशन, और सीशेल्स, ये नए डेस्टिनेशंस पॉपुलर इंटरनेशनल लेवल पर हो रहे हैं। ये डिस्काउंट रेट हैं जिनमें टूर ऑपरेटर्स 15 से 20% की छूट दे रहे हैं। लेकिन आप इन जगहों पर छुट्टियों के लिए भी मई या जून में पैकेज लेने जाएंगे तो आपको 15 से 20% महंगा पैकेज मिलेगा, क्योंकि एयर फेयर और बस के किराए महंगे हो चुके होंगे और होटल के चार्जेस भी बढ़ चुके होंगे। हम तो यही कहेंगे, अभी प्लान करिए और महीने भर बाद करिए फुल मौज। शुभानी सरन, जी मीडिया।